एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद शाहजहांपुर के ब्लॉक खुटार में स्थित प्रतापपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर है। ग्रामवासियों द्वारा ओम प्रकाश को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 हैंडपंप लगाए गए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 56 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर, सोलर लाइटें भी लगाई गई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स, रोड, खड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 125 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 आवास व 20 इंदिरा आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, आंगनबाड़ी केंद्र, बारातघर, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 126 इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान नंबर सिंह, ग्राम पंचायत स्कूल में सब निर्माण कार्य सारे का कराए हैं और प्रमुख समस्या है जल निकासी के लिए जब लिख के रहते हैं तहसील में या डीएम को, उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी मांग है कि 201 शौचालय सूची दी थी जिसमें आज तक एक भी शौचालय नहीं आया। 82 प्रधानमंत्री आवास की सूची दी है, उसमें डीएम तक कोई आवास नहीं आया। बारात घर और पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र की हमने मांग कर रखी है और प्रशासन हमारी मांग को जल्दी जल्दी पूरी करे। एक तो प्रधानों का जो मानदेय है बहुत कम, 35 रुपये मानदेय है, इतने मानदेय में कुछ नहीं होता है। हम लोगों का पेट्रोल और अन्य खर्चे नहीं निकल पाते हैं जो कि पब्लिक के लिए जाना पड़ता है। कम से कम मानदेय 15,000-20,000 रुपये होना चाहिए, जो है बहुत कम आ रही है। इतने विकास कार्य संभव नहीं है सही प्रकार से करा पाना या पूरे विकास कार्य करा पाना। ग्राम पंचायत की नीति जो है बहुत कम है।